सूरत की डायमंड इंडस्ट्री चीन से आई कोरोना की नई लहर से बड़ी प्रभावित है और यहाँ की टेक्सटाइल मिलें कोयला और केमिकल की कमी और उनके दाम में भारी बढ़ोतरी के कारण संकट में आ गई हैं। क्या है इस संकट का कारण और टेक्सटाइल उद्योग का ये संकट क्यों लाखों लोगों की रोजी रोटी को छीन सकता है, जानने के लिए इस पूरी रिपोर्ट को आप ध्यान से सुनिए। सूरत की कपड़ा मिलों में जो आमतौर पर चहल पहल नजर आती है, वैसी चहल पहल अभी नहीं दिख रही है। कारीगरों के चेहरे लटके हैं तो मशीनों की रफ्तार भी मानो धीमी पड़ गई है। विश्व भर में अपने कपड़ा कारोबार के लिए मशहूर सूरत का कपड़ा उद्योग इन दिनों भारी संकट से गुजर रहा है। संकट किसी मंदी या महामारी से नहीं है, बल्कि मिल चलाने के लिए जरूरी कोयले और केमिकल की कमी और सभी जरूरी सामानों की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी है। ये संकट कितना बड़ा है, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ सूरत में पिछले 6 महीनों में 15 से ज्यादा डाइंग मिल पर ताला लटक चुका है। डिमांड अच्छी रहती तो डिमांड की वजह से समझो कि ये जो प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता था, क्योंकि इतना जो हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो करीब 80-90% एफिशिएंसी पे चलेगा, तब जाके हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। हाल में जो चल रही इंडस्ट्री वो सब 60-70% एफिशिएंसी पे चल रही है, एक भी मिल पूरी एफिशिएंसी से चल नहीं रहे। इसकी वजह से काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि अगर हम समझो कि समय सर यूनिट को बंद कर देवे, नहीं तो फिर क्या आगे चल के बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो सूरत शहर में तकरीबन 400 टेक्सटाइल यूनिट चल रही है, जिसमें फैब्रिक्स और डाइंग का काम किया जाता है। इन यूनिटों को चलाने के लिए कोयले की जरूरत होती है, लेकिन कोयले और अन्य केमिकलों की कमी और कीमतों में भारी बढ़ोतरी के कारण पिछले 2 सालों में 50 से ज्यादा मिलें बंद हो चुकी है। इन मिलों के बंद होने से 20,000 से ज्यादा परिवारों की रोजी रोटी छिन गई है। कपड़ा कारोबारी इसके लिए सरकार की निष्क्रियता को भी बड़ी वजह बताते हैं। इन ऑल अगर अपने देखने जाए तो जिस हिसाब से दिवाली सीजन की भी जो उम्मीद थी हम लोगों को, वो उम्मीद पूरी हुई नहीं। तो जो एक प्रोडक्शन बेस वाला जो काम होता है, तो बट नेचुरली उसके बाद में जो लगन सरे का पीरियड कनेक्टिविटी में था, जैसा हमको बिजनेस का दिवाली के बाद हर साल पिकअप होता है, जो 15-15 दिन 20-20 दिन मतलब दिवाली के पीरियड में फोन बजने चालू हो जाते हैं व्यापारियों के कि कब मार्केट खुलेगा, तो कब डिस्पैचिंग हमको जल्दी मिलेगी। अगर रिटेलरों के अंदर सेल का अभाव आया हो तो होलसेलरों पे बट नेचुरल उसका आना ही है, इफेक्ट आना ही है। और साथ में अनवांटेड बरसात, बे टाइम पे जो बरसात गिर रही है, दिवाली के पूरे सीजन के अंदर बरसात गिर गई, कई जगह पे तो बाढ़ आई, मतलब यूपी जैसी जगह पे तो और भी उसका नुकसान हुआ। लगातार बढ़ती महंगाई के कारण ट्रांसपोर्ट का भी खर्च बढ़ गया है। कुल मिलाकर नतीजा ये है कि लागत बढ़ने के कारण व्यापारी कपड़े के दाम बढ़ाने के लिए भी मजबूर है। कपड़ा कारोबारियों के मुताबिक अगर उनके सामने आ रही समस्याओं को तुरंत दूर नहीं किया गया तो न सिर्फ मिल मालिकों को बल्कि करीबन 14 लाख से ज्यादा मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। आज तक ब्यूरो।